नमस्कार दोस्तों, आज 7 अगस्त है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो सबसे पहली न्यूज़ है, पीएम लॉन्चेज रिवैम्प ऑफ 508 अमृत भारत स्टेशंस। अब अमृत भारत स्टेशंस में क्या किया जाएगा? अमृत भारत स्टेशन में आपने भारत के जो स्टेशंस हैं, जैसे दिल्ली के 3 स्टेशंस को लिया गया है, दिल्ली कैंट को लिया गया है, सब्जी मंडी को लिया गया है और एक और नरेला है शायद उसको लिया गया है, तो इन स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा। एक तरीके से पूरी तरीके से रिनोवेट किया जाएगा, पूरी तरीके से बदल दिया जाएगा ताकि जो आने जाने में दुविधाएं हो, आने जाने में दिक्कतें हो, आसानी से स्टेशन तक पहुंच पाए, प्लेटफॉर्म तक पहुंच पाए, एंट्री एग्जिट अच्छी हो, एस्केलेटर लगा हुआ हो, ऐसी लॉन्च हो, रहने की सुविधा हो, मतलब इस तरीके की चीज़ें करके 508 स्टेशनों को बदला जाएगा और इसी का उद्घाटन लॉन्च किया है ना। तो ये आपको देखना है अमृत भारत स्टेशंस में क्या क्या सुविधाएं आएंगी। इसके बाद जो अगली न्यूज़ हमें पढ़नी है वो पेज नंबर छः पे क्या है, नूह मेवात ओल्ड टेम्पलेट न्यू बैटल ग्राउंड, है ना। तो नूह और मेवात एक ही है, मेवात पहले कहा जाता था, मेवात एक क्षेत्र है, नूह एक डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी, इवेंट DGP जो वहाँ की हैं उन्होंने कहा कि पूरे तरीके से घेर लिया गया था, ऊपर से गोलियाँ चलाई जा रही थी, मतलब इस तरीके की घटना भी होती है तो ये बहुत ही बुरी बात है। और इसके क्या कारण है, इसके पीछे क्या रहा है, कब गांधी जी को जाना पड़ा था मेवात में, इस तरीके की चीज़ें आप पढ़ सकते हैं और आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि किस तरीके की दिक्कतें हैं। दूसरी बात ये भी है कि जो मेवात क्षेत्र में जो मुस्लिम हैं वो उनकी आबादी 79% के करीब है, 80% के लगभग मान लीजिए, है ना, तो 79% के करीब है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से वो मुस्लिम धर्म को मानते हुए भी हिंदुओं के त्यौहारों को भी मनाते हैं, श्री कृष्ण उनके परम प्रिय देव हैं, इस तरीके की बहुत सारी बातें हैं तो आप इसमें पढ़ेंगे, है ना, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है द ब्यूरोक्रेसी एज प्रोसिक्यूटर एंड जज, है ना। जो ब्यूरोक्रेसी है आपने देखा होगा कि हमें अभी क्या कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ब्यूरोक्रेसी है वो सॉल्व कर देती है, इस तरीके की चीज़ें कर देती हैं और हम यहाँ पे जजमेंट या उसमें नहीं जा पाते हैं। कई ऐसे मतलब आपने देखा होगा कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें पेनल्टी लगाना या किसी ऑर्डर को पास कर देना या किसी निर्णय को दे देना, ये ब्यूरोक्रेसी का मामला हो गया। तो उसी पे बात की गई कि ब्यूरोक्रेसी कहाँ कहाँ पे एक तरीके से दूसरे के अधिकारों का हनन करती है। जैसे यहाँ पे एक देखिए, द फाइन प्रिंट व्हिच हैज रिसीव्ड लिटिल मीडिया अटेंशन दैट लेजिस्लेशन हैज मोस्टली रिप्लेस्ड क्रिमिनल इम्प्रिजनमेंट विथ पेनल्टीज, इट हैज ट्रांसफर्ड द पावर इम्पोज द मॉनेटरी पेनल्टी फ्रॉम द जुडिशरी टू द ब्यूरोक्रेसी। फॉर एग्जाम्पल द जन विश्वास एक्ट अमेंड द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट टू रिप्लेसमेंट इम्प्रिजनमेंट एट पनिशमेंट टू सर्टेन ऑफेंसेस विथ पेनल्टीज अप टू। तो इस तरीके की बातें हैं कि ब्यूरोक्रेसी में इस तरीके के जो छूट या इस तरीके के जो जजमेंट हैं ये बहुत दिक्कतें पैदा करेंगे, इसी पे बात की गई, तो आप इसे देख लेंगे। इसके बाद है पेज नंबर एट पे हम चलते हैं और पेज नंबर एट पे है कि इज इंडिया शुगर सरप्लस लीडिंग टू ए क्राइसिस, क्या जो भारत का शुगर सरप्लस हो रहा है, चीनी बहुत ज़्यादा उत्पादन, ये क्राइसिस होगा, इस पे बात की गई। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो शुगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है ये हमारे लिए बहुत काम का है। आपको याद होगा एथेनॉल, हमने अभी 2025 तक ये लक्ष्य तय किया है कि 2025 तक 20% एथेनॉल कंपलसरी कर दिया जाएगा, मतलब 20% एथेनॉल पेट्रोल में मिलाया ही जाएगा, है ना। तो ये आपको देखना है, तो ये नहीं है कि ये हमारे लिए क्राइसिस बन जाएगा, ठीक है, इसको आप पढ़ लेंगे, एक नज़रिया यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद जो हमें अगली न्यूज़ पढ़नी है वो है मस्क स्टारलिंक वाई द न्यू सॉवरेन ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट इज बैड न्यूज़, है ना। मस्क
का जो स्टार लिंक है वो लो अर्थ ऑर्बिट में पूरी तरीके से एक घेरा बना चुका है, या एक तरीके से पूरा का पूरा घेर लिया है वाई द न्यू सॉवरेन ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट बेस्ड न्यूज। मतलब ये अच्छी न्यूज़ नहीं है कि किसी एक कंपनी ने पूरा का पूरा लो अर्थ ऑर्बिट घेर लिया हो, तो ये अच्छी न्यूज़ नहीं है, इसी पे बात की गई है, तो आप इसे देख लेंगे। इसके बाद है G20 निगोशिएटर फेस क्लाइमेट चेंज हर्डल, है ना, जो G20 के अभी मीटिंग्स चल रही हैं, G20 के अध्यक्षता भारत कर रहा है, और क्लाइमेट चेंज के जो हर्डल्स हैं, क्लाइमेट चेंज के जो बाधाएं हैं उस पर बात की गई है, तो आप इसे देख लेंगे क्या फंडिंग की क्या कमी है और क्या क्या बाधाएं आएंगी उसको यहाँ पे दिया गया है, है ना। अब हमें पेज नंबर 12 पे चलना है, और पेज नंबर 12 पे हमें क्या पढ़ना है, तो एक न्यूज़ है 5% बर्ड्स इन इंडिया आर एंडेमिक से जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पब्लिकेशन। 5% जो बर्ड्स हैं वो एंडेमिक हो चुके हैं, और IUCN का ये रेड लिस्ट होता है, उसमें एंडेमिक वगैरह एंडेंजर्ड वगैरह जो देख लेंगे आप, लिस्ट में देखेंगे कौन कौन से बर्ड हैं, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लेंगे। उसके बाद एक है 18th सेंचुरी तमिल मैनुस्क्रिप्ट फाउंड इन मॉनेस्ट्री इन इटली। 18वीं सदी का, है ना, 18वीं सदी का तमिल मैनुस्क्रिप्ट कहाँ मिला है, तो एक इटली के मॉनेस्ट्री में मिला है, तो ये आप देख सकते हैं, है ना, ठीक है, कैसे गया ये तो बाद की बात है, आप इसको देख सकते हैं। और इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो लास्ट पेज है, एंडोगेमी लिंक टू परसिस्टेंस ऑफ हार्मफुल जेनेटिक वेरिएंट, आप इसको पढ़ेंगे, और एंडोगेमी क्या है पहले ये देखेंगे, और जेनेटिक वेरिएंट जो हार्मफुल जेनेटिक वेरिएंट है परसिस्टेंस कर रहा है तो कैसे वो करता है, तो इसको आप ज़रूर देखेंगे, थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में है, तो एक थोड़ा, मतलब थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाएगा, बस आपको एंडोगेमी देख लेना है और किस तरीके से वो लिंक्ड करता है परसिस्टेंट ऑफ हार्मफुल जेनेटिक वेरिएंट से, ये आपको थोड़ा सा देखना है ना, तो आप एक बार पढ़िए, नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं पूरी तरीके से समझा दूंगा। सुपरनोवा, है ना, द यूनिवर्स इंजिन, है ना, ये इसे माना जाता है कि ये जो सुपरनोवा है ये यूनिवर्स का इंजिन है, ब्रह्मांड का इंजिन है, या इसी से सारी शक्तियां या यहीं से विस्फोट, इस तरीके की बातें कर सकते हैं। लेकिन हम जो ये सुपरनोवा देख रहे हैं ये कब का होगा ये हमें नहीं पता है। जैसे आपको एक उदाहरण बताता हूँ, अभी आप यहाँ पे हो, मान लो इस जगह पे हो, और यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, यहाँ पे सूर्य है, तो आप जो सूर्य को देख रहे हो वो 8 मिनट पहले का था, 8 मिनट पहले का था, 8 मिनट पहले का क्यों, क्योंकि सूर्य से पृथ्वी तक उसकी किरणें आने में हमें 8 मिनट का समय लगता है, ठीक है। अब दोस्तों इसके पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अब हम जानते हैं कि जो हमारा सबसे नजदीकी तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, सेंचुरी कहते हैं उसको, वो 400 प्रकाश वर्ष दूर है, है ना। अब प्रकाश वर्ष क्या होता है इसको पहले जान लें। एक प्रकाश वर्ष मतलब प्रकाश की गति से एक वर्ष में जो तय किया गया मतलब दूरी है उसको प्रकाश वर्ष के नाम से जानते हैं। तो 400 साल में जो प्रकाश तय किया वो हमारा तारा जो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी सबसे नजदीक का तारा है। अब हम यह जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में अरबों खरबों तारे हैं और वो लाखों प्रकाश वर्ष दूर हैं, करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर हैं, कुछ तो अरबों प्रकाश वर्ष दूर हैं, है ना। तो जो प्रकाश हमें दिखाई दे रहा है ना, जो हमें प्रकाश दिखाई दे रहा है वो हो सकता है 5 लाख साल पहले का हो। तो 5 लाख साल पहले ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी या जो सुपरनोवा, ये मतलब सॉरी प्रॉक्सिमा सेंचुरी तो नहीं, ये सुपरनोवा 5 लाख साल पहले की घटना और वो हमें अब दिखाई दे रही हो, तो हमारा कोई मतलब तो है नहीं, हमारा जीवन ही 100 साल का है, तो 5 लाख साल तो छोड़ दीजिए। और ये मैं 5 लाख साल भी कम बोल रहा हूँ, हो सकता है 5 करोड़ साल पहले की बात हो, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ें ठीक है, रिसर्च की जा रही है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आप इसमें डीप नहीं जाइएगा क्योंकि ये एस्ट्रोनॉमी का सब्जेक्ट है और बहुत ही मतलब आप
सोचने की क्षमता खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़े के साथ। धन्यवाद।